से सांसद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये क्या बात हुई कि आप कहें और हम सुने और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करना हो आपसे? ठीक है, तो संवाद करना चाहिए तो किसानों के साथ संवाद क्यों नहीं हो रहा, उन पे पानी की बौछार क्यों हो रही है, ये एक सवाल है। मैं कहां कह रहा हूं कि किसानों के साथ संवाद नहीं हो रहा, और कौन कह रहा है किसानों के साथ संवाद नहीं हो रहा? किसान संवाद देश में किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा जारी है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा मीडिया के डिबेट में भी देखने को मिली। इस डिबेट में सवाल इस बार बीजेपी के सांसद से हुए। हुआ यू की एबीपी न्यूज पर किसानों के आंदोलन पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी सांसद से एंकर रूबिका ने कुछ सवाल किए जिस पर वह जवाब देने लगे। जब रूबिका ने काउंटर क्वेश्चन करने शुरू किए तब वह रूबिका पर गुस्सा होते दिखे, जिसके बाद रूबिका ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। वीरेंद्र सिंह साहब, एक तो वहाँ बैठकर आप किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचिए, माननीय सांसद हैं आप वीरेंद्र जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सवाल नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है, ना 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 सर, आप रहे, हम आपकी इज्जत करते हैं कि आप 91 से सांसद हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये क्या बात हुई कि आप कहें और हम सुने और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करना हो आपसे? तो मेरे उत्तर भी सुने जाएंगे कि नहीं सुने जाएंगे? तो क्यों नहीं सुनेंगे, हम सुन रहे हैं ना। आप उससे पहले टिप्पणी काहे कर रहे हैं कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं? आप क्या जानते हैं कि कौन स्टूडियो से निकल रहा है और नहीं निकल रहा है? आपको भी हमारे बारे में जानकारी नहीं है माननीय सांसद जी? आपसे बात नहीं करना चाहते, अब आप अपनी बात रखिए। आप मत जानिए कि आप ही को जानकारी बहुत है, मैं कोई बात आपसे नहीं करना चाहता। ऐसा ही कुछ न्यूज 18 की भी डिबेट में देखने को मिला। वहाँ भी बीजेपी नेता सरकार द्वारा लाए कानून की तारीफ करते दिखे। तब अमीश ने उनसे कुछ तीखे सवाल करने शुरू किए, जिसके बाद वे अमीश को सवाल करने को लेकर टोकते नजर आए, जिस पर अमीश ने भी करारा जवाब दिया। और इसी तरह की बात करनी है करानी है तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं अब रखता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि मुझे बात करना जितना जी, तो आप अपनी बात को रखिए, लेकिन संवाद जरूरी है। हो सकता है अबे दुबे के तरीके पर आपको आपत्ति हो। नहीं, संवाद जरूरी है, नहीं संवाद जरूर, पहले मेरी बात तो सुनिए। संवाद जरूरी है तो संवाद की तरह बात होना चाहिए, बात ही नहीं हो रहा है। किस कानून पर आपत्ति है, जो कानून पर आपत्ति है, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संवाद करिए, संवाद करना चाहिए। ठीक है, तो संवाद करना चाहिए तो किसानों के साथ संवाद क्यों नहीं हो रहा, उन पे पानी की बौछार क्यों हो रही है, ये एक सवाल है। मैं कहां कह रहा हूं कि किसानों के साथ संवाद नहीं हो रहा है, और कौन कह रहा है किसानों के साथ संवाद नहीं हो रहा? किसान संवाद को पानी बौछार हो रहा है, आंदोलन होगा, कोई तोड़ फोड़ करेंगे तो कानून व्यवस्था का पालन करना कानून सरकार का काम है। किसान को आंदोलन करना ही चाहिए, किसी को मजदूर का आंदोलन करना चाहिए। आप कह रहे हैं हरियाणा की सरकार ने गलत काम किया? गलत काम नहीं कर रहे, नहीं क्षमा करिएगा, उल्टा घुमा के मत मुझसे पूछिए, मैं बहुत उल्टा घुमा कर मुझसे मत पूछिए, और मैं बहुत जानता, बहुत लोगों का सामना करता हूँ। जब किसानों का मुद्दा बढ़ा, उसके बाद से ही मीडिया में इस मुद्दे पर बहस होनी शुरू हो गई है। अच्छी बात ये है कि कम से कम मीडिया ने इस मुद्दे को उठाना तो शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।